ऐतिहासिक अंग्रेजी कानून में एक हट्टा कट्टा भिखारी वह व्यक्ति होता था जो शारीरिक रूप से फिट था और काम करने में सक्षम था, लेकिन जीविका के लिए भीख मांगता था या भटकता था। कैम्ब्रिज का कानून 1388 एक प्रारंभिक कानून था जो मजबूत भिखारियों और अशक्त या विकलांग या बुजुर्ग गरीबों के बीच अंतर करता था, जिससे आवारा और भिखारी अधिनियम 1494 के तहत प्रतिबंध और दंड होता था। 1530 और 1540 के दशक में कई अंग्रेजी मठों को बंद कर दिया गया, जिससे गरीबों के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो गए, और 1531 के वागाबॉन्ड अधिनियम ने काम करने में असमर्थ लोगों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया, जिससे काम करने में सक्षम व्यक्तियों द्वारा भीख मांगना अपराध हो गया। बेरोजगारी के कारण बार बार अपराध करने पर मृत्युदंड का भी प्रावधान था। 16वीं सदी के इंग्लैंड में आवारा और बेरोजगारों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता था, दोनों को केवल मजबूत भिखारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1547 में एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें आवारा लोगों को आपराधिक कानून के प्रावधानों के अधीन किया गया था। ये तो हुई इतिहास की बातें, पर ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे देश में भिखारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कई ऐसे भी हैं जो ठीक होने के बावजूद भी अपाहिज होने का ढोंढ कर भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से जो असली हकदार माजूर अपाहिज बूढ़े गरीब लोग हैं उन्हें उनका हक इन ढोंगियों की वजह से नहीं मिल पाता है। लोग इस मामले को गौर से नहीं देखते बल्कि नज़रअंदाज करके भीख दे देते हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुरूपियों की वजह से जो हकीकत में ज़रूरतमंद है वह लोग अपने हक से वंचित या महरूम रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी औरंगाबाद में हुआ है, जहां एक शख्स अपना एक हाथ कुर्ते के अंदर छिपाकर और पैरों से विकलांग बनकर लोगों से भीख मांगते हुए दिखाई दिया। और तो और उसने एक आदमी 500 रुपये रोजंदारी पर अपनी गाड़ी खींचवाने के लिए रखा था। जब उस शख्स को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ा तो माफ़ी मांगता नजर आया। लोगों ने पूरी हरकत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। युवक किस प्रकार से अपाहिज बनने की नौटंकी कर रहा था और लोगों से भीख मांग रहा था। आपको बता दें कि इसी तरह के मामले पहले में भी सामने आ चुके हैं। देखिए क्या है ये मामला। चलो आगे चल। अरे चलो आगे, धीरे धीरे चलेगा। चलो आगे पैर डाल के इधर से चलो। चल अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए लोगों ने पूरे धंधे बनाए हुए हैं। ये अपंग नहीं होने के बाद में ये दोनों भी गैर मुस्लिम है। हमारा इनसे कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं है कि भाई गैर मुस्लिम है करके। ये इनकी फॉर्म को भी धोखा दे रहे और सबको धोखा दे रहे। जो भी लोग ऐसे लोगों को खैरात करें भाई, तहकीकात करके खैरात करें, अपने रिश्तेदारों की मदद करें। इससे पहले भी हमने एक पकड़े थे और ये भी अपंग नहीं है। मैं औरंगाबाद शहर के सीपी साहब से अपील करता हूँ कि जितने भी औरंगाबाद शहर के अंदर ये बहरूपिया घूम रहे, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो, जो सही नाम बोलो, नाम बोलिए। नया पप्पू बोलो। अच्छा, इनके नाम भी पप्पू छोटू है। सबके नाम पूरे पप्पू छोटू है, ठीक है। अब इससे चलो आगे, चलो चलो चल के बताओ, चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा अच्छे चलते तुम देखा तुम चलते चलो चलो। क्या बात, देखिए ये 500 रुपए रोज से इसके बाद में गाड़ी लौटने के वास्ते मैं तमाम लोगों से अदबन अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को खैरात ना दे भाई, ठीक है।